हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो रिव्यू वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास है गार्नियर का ये सेरम मास्क गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज आप सभी के साथ ये इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूँगी विद डेमो दोस्तों, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। आप अगर अपने डेस्कटॉप से देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर बेल आइकन आएगा, वहाँ पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा गाइस, ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियो से नोटिफाई हो जाए। और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है गार्नियर का सेरम मास्क और इसकी जो कीमत है, ये सिंगल शीट आती है इसमें, ओनली वन शीट आती है गाइस, मल्टीपल शीट नहीं आती है, ये सिंगल शीट आती है। इसकी कीमत है 99 रुपीज़, 100 रुपये से 1 रुपया कम की इसकी कीमत है। और जो शीट का जो वेट है ना इसका, ये 32 ग्राम की ये शीट का जो है वेट आता है। एक शीट आती है इसके अंदर गाइस, तो आपको डेमो में पूरा बताऊंगी। और ये है सेरम मास्क, इसमें सेम जो है सेरम में एक वाइटनिंग क्रीम भी मिलती है, फेयरनेस क्रीम, मैं उसकी रिव्यू कर चुकी हूँ गार्नियर की, जो वाइटनिंग सेरम बेस्ड क्रीम है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत कमाल की क्रीम है वो, फेयरनेस की, ऑयली स्किन वालों के लिए तो दी बेस्ट है, और मैं उसे यूज़ भी करती आ रही हूँ गाइस। करंटली भी मैंने वही अपने फेस पे लगाई और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, दैट इज़ इट। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जिनके फेस पे अगर काले दाग रह गए हैं या पिंपल्स अगर जिनके फेस पे है, तो उनके लिए जो शीट मास्क है उनको यूज़ करना चाहिए गाइस। एंड ये आपको इंस्टेंट फेयरनेस देता है, बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसकी जो मतलब मैं कहूँगी इसकी जो तासीर है ना, वो लंबे समय तक नहीं है, ये मतलब 2 से 3 दिन तक ही लास्ट करेगा आपके फेस पे एक फ्रेश लुक। आप इसे वीकली बेसिस पे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। बट अगर आपको फिर भी चाहिए कि आपके जो मार्क्स है फेस के वो हटे, कुछ ही अगर आपका फेस क्लीन लगे, एकदम फ्रेश लगे, तो आप इसे वीकली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं गाइस। एंड प्लस इसकी एक और बात है कि इसे मेन भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, टीनेजर्स, एवरीबडी कैन यूज़ इट। लेमन की तासीर है, नींबू की तासीर है, काफ़ी भारी तादाद में नींबू की तासीर है। जैसे ही इसे फेस पे लगाएंगे ना, तो आपको एकदम नींबू नींबू जैसी इसकी खुशबू आएगी, बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू आएगी। समर्स के लिए तो ये बेस्ट मास्क होगा फेस पे लगाना गाइस। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, इसका डेमो देखते हैं इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस इसकी डेमो देखते हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, कम्प्लीटली बेयर फेस पे इसे लगाना है। और खुशबू बहुत कमाल की है इसकी, काफ़ी भारी मात्रा में नींबू की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। 2 किस्म की शीट रहती है, एक नीले रंग की रहेगी और एक सफ़ेद रंग की। नीले रंग की शीट आपने जो है बाहर की तरफ रखनी है, और सफ़ेद रंग की जो शीट है वो आपने अपने फेस के ऊपर चिपकानी है। तो नीली जो शीट है ना, वो ऊपर का कवर है उसका दोस्तों। तो इस तरीके से सफ़ेद शीट अपने ऊपर लगाइए और नीली को निकाल दीजिए, अच्छे से स्किन पे चिपकाइए। ऑल स्किन टाइप वाले इस शीट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको उसके बाद थोड़ी अगर ड्राइनेस फील हो रही है क्योंकि लेमन है, तो आप मॉइस्चराइज़र बाद में लगा लीजिएगा। नीली शीट में भी काफ़ी हद तक सेरम लगा हुआ था गाइस, तो मैंने इसे अपने हाथ पे लगा लिया है क्योंकि लेमन की सेरम है इसके अंदर, जो आपके फेस को अगर ब्राइटन अप करती है तो आपके हैंड्स को भी डेफिनेटली करेगी करेगी। स्किन ब्राइटनिंग मास्क है ये, आपके डल स्किन है तो आपको डेफिनेटली इसे यूज़ करना चाहिए। और काफ़ी हाइड्रेटिंग फील हो रहा है, खुशबू बहुत अच्छी है। आपके फेस पे अगर डार्क स्पॉट है तो ये डेफिनेटली यूज़ करना बनता है। इसे मैं 20 मिनट तक रखूँगी अपने फेस पे, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ दोस्तों। तो 20 मिनट्स हो गए हैं, मैंने अच्छे से रिलैक्स कर लिया है, अब बारी आती है इसे निकालने की गाइस। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इम्प्रेसिव लगा है ये शीट दोस्तों। आप सारे ही इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एज कैटेगरी हो, मेल फीमेल सारे ही इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ऐसे डैप करूँगी अपने फेस पे, नेक पे डैप करूँगी क्योंकि नेक पे नहीं लगा था, ये सिर्फ फेस के लिए मास्क उतना ही मतलब बना हुआ है। तो इसे इस तरीके से डैप करूँगी और इसके बाद इससे मैं अच्छे से मसाज करूँगी कि जो सेरम लगा हुआ है, जो बचा हुआ है फेस पे, ताकि वो मेरे स्किन के अंदर कम्प्लीटली मर्ज हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। और आपने भी ये चीज़ करनी है, इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा गाइस, आपको डेफिनेटली एक ब्राइटर लुक मिलेगा और ये इंस्टेंट एक फेयरनेस लाता है आपके फेस पे। अगर आपको तुरंत कहीं पार्टी में जाने कुछ समझ नहीं पड़ रहा, तो इसे घर पे रखिए, इंस्टेंट फेयरनेस आपके स्किन में मिलेगी। मेरे हिसाब से ये चीज़ आप रात के टाइम पे कीजिएगा, ताकि रात भर जो सेरम आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा ना, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको एक खिला हुआ चेहरा डेफिनेटली मिलेगा गाइस। तो आप मेरे फेस पे वो ग्लो देख सकते हैं, मेरा पहले का फेस और अभी के फेस में देखिए कितना चेंज आया है दोस्तों। तरीके से लगाया जाता है, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल और भी बता दी है डेमो के दौरान कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स है गाइस। तो आपने सब देख लिया, सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा उम्मीद करती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, सारी एज कैटेगरी वाले मेन,
बॉयज, मर्द, लड़कियाँ, आंटीज़, आप सभी इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। एंड जैसे अगर आपको अगर इंस्टेंट कहीं पार्टी में जाना है, अगर आपको नहीं समझ पड़ रहा है कि मैं क्या लगाऊं फेस पे, इसे ज़रूर घर पे आप रखिएगा। इंस्टेंट आपको एक फेयरर लुक दे देगी और अच्छा सा ग्लो भी देगी आपके फेस पे दोस्तों। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो रिव्यू है ये पसंद आई है। एंड आप सभी जानते हैं आपने मेरी इस वीडियो को तो बहुत सारे लाइक्स देने हैं, और मेरे चैनल डेली रिव्यू को तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। और मेरा दूसरा चैनल भी है दोस्तों जो कि है डेली टिप्स, वहाँ पर भी जाइए, उसे विजिट कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए गाइस। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो चैनल। तो ठीक है दोस्तों, इसके रिलेटेड कुछ सवाल होना तो आप मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, आई वुड लव टू रीड देम एंड लव टू आंसर देम ऑल्सो। लव यू ऑल गाइज, बाय।